वचन मा कर्म फल हेतु रुभु माति संगोस्त विकर्मणि। गणपत कुछ सुना तुमने? क्या प्यारे? वो कालिदास है ना, कालिदास 10 साल की जेल काटकर वापस आ गया। कालिदास 10 साल पहले उसने मेरा क्या बिगाड़ दिया और जेल से वापस आकर क्या कर लेगा कालिदास। तुम इकबाल करते हो कि गणपति का खून तुमने किया है? जी मैं इकबाल करता हूं। और ये भी इकबाल करते हो कि ये खून तुमने जानबूझकर किया है? जी मैं इकबाल करता हूं कि ये खून मैंने जानबूझकर किया है। ये जानते हुए कि खून की सजा फांसी होती है? हाँ जज साहब, मैं जानता हूं कि खून की सजा फांसी होती है, मगर इसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूं आपका कानून मुझे सजा नहीं दे सकता। तुम्हारे गुनाह की सजा कानून क्यों नहीं दे सकता तुम्हें? जज साहब,
सच को झूठ करने वाले कानून के बड़े बड़े पंडित बैठे हैं यहाँ। मैं मैं जवाब देने से पहले कुछ पूछना चाहता हूँ हुजूर। क्या पूछना चाहते हो? हुजूर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एक आदमी का खून दो मर्तबा किया जा सकता है? तुम कहना क्या चाहते हो? अदालत समझी नहीं। मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे गौर से देखिए। मैं वही कालिदास हूँ जिसे इसी अदालत ने आज से 10 साल पहले इसी गणपत का कातिल मानकर उम्र कैद की सजा दी थी। मैं इस अदालत से पूछता हूँ कि अगर गणपत का खून 10 साल पहले हुआ था तो फिर मुझे आज यहाँ क्यों लाया गया है? और अगर गणपत का खून आज हुआ है तो फिर मुझे 10 साल पहले किस गुनाह की सजा दी गई थी? यो अगर मुल्जिम झूठ बोलता है, अदालत का वक्त जाया कर रहा है। मुल्जिम एक पेशावर मुजरिम है, सबूत वो 10 साल है जिसने जेल में काटे। वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ सरकारी वकील साहब, वो कौन सा गुनाह था जिसके लिए मुझे 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखा गया? 10 साल तक खुली हवा, रोशनी और जिंदगी की हर खुशी से महरूम रखा गया। तुम्हारा मतलब है 10 साल पहले तुम इसी गणपत के खून के जुर्म में पकड़े गए थे? हाँ जज साहब, और आज भी उसी गणपत के खून के जुर्म में पकड़ा गया हूँ। ये कैसे मुमकिन है? ये तो मुमकिन है हुजूर, मगर ये मुमकिन नहीं कि कानून मेरी जिंदगी के वो बेहतरीन 10 साल मुझे वापस दे दे जो कैद खाने की नजर हो गए। और ये भी मुमकिन नहीं कि मेरी रग रग, मेरे दिल और दिमाग और मेरी रूह की गहराइयों में जो जहर उतर गया उसे आपका कानून धो डाले। एक शरीफ बेगुनाह कालिदास जेल खाने की सलाखों के पीछे एड़ियां घिस घिस कर मर गया और उसकी जगह एक गुंडे कालिदास ने ले ली जिसे हर इंसान, हर समाज और हर कानून से नफरत हो गई है। योर ऑनर, मुल्जिम अदालत की आंखों में धूल झोंक रहा है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। ये बात आज कहानी ही मालूम होती है हुजूर, मगर जिस पर गुजर गई उसके दिल से पूछिए। ये एक कहानी नहीं, अदालतों में ऐसी बहुत कहानियां लिखी गई हैं जिनके सुनाने वाले जिंदा नहीं रहे। मेरे गले में भी फांसी का फंदा पड़ गया होता तो मेरी जबान भी हमेशा के लिए बंद हो जाती। मैं पूछता हूं कि जिस चीज को लेकर कानून वापस नहीं कर सकता, उस चीज को लेने का कानून को क्या हक है? हुजूर, सामने बैठी उस औरत को देखिए जिसे 10 साल तक बदनाम किया गया है, जलील समझा गया है, महज इसलिए कि वो मेरी बीवी है, एक कातिल की बीवी है। सरकार, मैं आपसे इस औरत की जवानी वापस मांगता हूं, इसके सुहाग की वो रंगीन रातें वापस मांगता हूं जो कानून की भेंट चढ़ गई हैं। मैं इसकी वो जवान मुस्कुराहटें वापस मांगता हूं हुजूर, जिन्हें आपके कानून ने बुढ़ापे में बदल दिया है। मैं इसकी बेबसी, इसकी लाचारी, इसके जिगर से टपका हुआ खून, मैं इसके आंसुओं की कीमत मांगता हूं सरकार, मैं इसके आंसुओं की कीमत मांगता हूं। मैं पूछता हूं, मेरे साथ साथ इस बदकिस्मत पर क्यों जुल्म किया गया? है जवाब आपके पास हुजूर, है जवाब आपके पास। कानून की नजर में शरीफ वो है जो पकड़ा नहीं गया। आज से 10 साल पहले मैंने इसी अदालत के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, मैं बेगुनाह हूं, मैं बेखता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। आज मैं छाती ठोंक कर कहता हूं कि कातिल मैं हूं, मैंने गणपत का खून किया है। हर कोई कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक गुनाह की दो मर्तबा सजा नहीं दे सकता। अब हुजूर जज साहब, मैं ये पूछता हूं कि कातिल मैं हूं या आपका कानून? कातिल क्यों मिस्टर झा, आपका क्या ख्याल है इस मुकदमे के बारे में? अजी ख्याल क्या, बद्री प्रसाद की अदालत में तो ऐसे हंगामे होते ही रहते हैं। खैर छोड़िए अब इस किस्से को, कालिदास मर गया, मुकदमा खत्म हो गया। कालिदास तो मर गया, लेकिन उसके मरने से एक सवाल जिंदा हो गया। वो क्या, गवाहों का झूठा होना? नहीं, मौत की सजा। मौत की सजा बंद हो गई तो इंसान बस्तियों को जंगल बना देगा। आपको मालूम होना चाहिए
इंसान बुनियादी तौर पर जानवर है और सिर्फ मौत से डरता है। दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इंसान के दिल से मौत का डर हट गया तो वो इंसान ही हैवान हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर गवाहियां गलत हुई जैसा कि कालिदास के साथ हुआ और किसी बेगुनाह को फांसी हो गई तो खून किसकी गर्दन पे होगा? क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि अगर किसी को गलत सजा हो जाए तो मुकदमा दोहराया जा सकता है, मुजरिम को छोड़ा जा सकता है, लेकिन फांसी हो जाने के बाद तो कल आप कहिए कि मुजरिमों को सजा देना भी बंद कर दो। एक्सेप्शंस डू नॉट प्रूव द रूल मिस्टर सावरकर। कालिदास का बयान ठीक भी हो, मैं फिर भी मौत की सजा के हक में हूं, क्योंकि कालिदास का वाकया एक इत्तेफाकी बात है और ये इत्तेफाक रोज रोज नहीं होता। क्यों बद्री प्रसाद? हाँ हाँ बद्री प्रसाद जी, आप यहां बैठे हैं, कुछ बोलिए ना, मुकदमा तो आप ही का था। मैं सुन रहा हूँ। सुनने से काम नहीं चलेगा। झा साहब सीनियर जज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं उनकी बात काटना नहीं चाहता। लेकिन मिस्टर झा, जो इत्तेफाक आज हुआ वो पहले भी हुआ होगा, कल भी हो सकता है। गोया आप भी मौत की सजा के खिलाफ हैं? जी हाँ, आप तो जानते हैं मैंने आज तक किसी को मौत की सजा नहीं दी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे इंसाफ का दारोमदार सिर्फ गवाही पर है और गवाही सही गलत दोनों हो सकती है। दूसरे लफ्जों में आपने ये कहा कि आम लोग संगदिल हैं, जालिम हैं, बेगुनाहों को फांसी पर चढ़वा देते हैं और गुनाहगारों को आजाद छोड़ देते हैं ताकि समाज में बुराइयां फैलाते रहें। मुझे नहीं मालूम था कि इंसान के बारे में आपकी राय इतनी बुरी है। ये बात नहीं, मेरा मतलब ये था कि इंसान में देखा ही नहीं, वो बाप बेटा भाई दोस्त हमसाया बहुत से धागों में बंधा हुआ है, इसलिए गवाही कभी बेलाग नहीं हो सकती। गवाही सच्ची इंसाफ सच्चा, गवाही झूठी इंसाफ झूठा। तो सावरकर, यही तो मैं भी कहता हूं, गवाही झूठी है तो इंसाफ झूठा है, गवाही सच्ची है तो इंसाफ सच्चा है। मैं नहीं मानता। आप ना माने मगर यह हकीकत है कि ईमानदार से ईमानदार इंसान भी हमेशा सच नहीं बोल सकता। मसलहतें, नफा नुकसान, जज्बाती रिश्ते अपना पराया उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। बाज मरतबा इतना मजबूर हो जाता है कि सच का खून उसकी आंखों के सामने होता रहता है मगर वो जबान तक नहीं खोल सकता। क्या बच्चों की सी बातें करते हैं। ये कहकर आपने इंसानियत की सारी तारीख को झुठला दिया। आप नहीं जानते खून खुद एक फंदा है जो कातिल की गर्दन में पड़ जाता है और एक दिन उसे कानून के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आप किताबों की बातें करते हैं मिस्टर झा, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। होता कैसे नहीं, आप तो जज हैं, बड़ा नाम है, रोब है, आप ही खून कीजिए और बचकर दिखाइए। हंसते क्या है, लगी हमारी आपकी शर्त, मैं अपनी सारी पूंजी हार जाऊंगा। झा साहब आपका बुढ़ापा इसे रख लीजिए, काम आएगा। भागते क्या हो, लगाओ शर्त, खून करो और बच के दिखाओ। अच्छा रही शर्त, लेकिन आप हार जाएंगे। लगी शर्त भाई, हार जीत का तो पता नहीं लेकिन केस होगा बड़ा मजेदार। सेशन जज कमिटेड टू सेशन। सेंसेशनल है। सेंसेशनल, सेंसेशन जज कमिटेड टू सेशन। बाय बाय। ओ मीना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो जनाब अभी तक बनियान और तौलिया में ही घूम रहे हैं, अभी तक तैयार नहीं हुए, कर क्या रहे थे? पूछती क्या, खुद ही देखो ना। वो तो देख ली, ये पतलून, ये टाई, ये हैंगर, ये कोट, ये सब क्या है? अरे बाबा यही तो मैं कह रहा हूँ, है एक भी चीज दिखाने से। अपना घर तो अच्छा खासा चिड़िया घर मालूम है। वो तो है ही। हुँ? मगर तकलीफ क्या है आपको, ढूंढ क्या रहे हो? वो कमीज। कमीज? ये तो नहीं। अरे यही तो है, एक घंटे से ढूंढ रहा हूँ।
कैलाश हाँ। एक बात कहूँ? कहो। तुम भी एकदम बुद्धू हो। बुद्धू तो हूँ, वरना आज तक कमाया रहता। अरे फर्स्ट क्लास मकान है, बढ़िया नौकरी है, होने वाली बीवी सामने खड़ी है, और हम हैं कि अभी तक कमीज़ ढूंढ रहे। मीना, अब ये अकेला घर काट खाने को दौड़ता है, तुम जल्दी से आ जाओ। आई तो हूँ, देखो तुम्हें भगा के ले जा रही हूँ। ऐसे नहीं, बीवी बनकर आओ। अगर इतने ही बेसब्री हो तो पापा से बात क्यों नहीं करते? जब भी सोचता हूँ पापा से शादी के बारे में कुछ बात करूं तो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। आज कालिदास का मुकदमा बीच में आ गया, बेचारे ने खाम खा जेल भी काटी और जान भी ले दी। जज साहब बहुत परेशान थे इस केस के लिए। देखो कैलाश, अदालत कचहरी की कोई बात नहीं होगी। पापा आते हैं तो कचहरी, तुम आते हो तो कचहरी। दुनिया भर के लड़के लड़कियां प्यारों मोहब्बत की बातें करते हैं, हमने मोहब्बत भी की तो वकील से, हर वक्त लूट मार खून खराबे की बातें सुननी पड़ती है। प्यार की बात करता हूँ तो शर्मा जाती हूँ, कचहरी की बात करता हूँ तो घबरा जाती। खैर छोड़ो जी, जैसा आ गए हैं। कहाँ आ गए थे? थिएटर की टिकट मंगवा रखे, सोचा जब तक पापा तुम्हें ले आऊं। शादी से पहले इतना ख्याल रखती है तो बाद में क्या करोगे? तुम्हारी जेब काटूंगी। चलो बहुत देर हो गई। चलो दीदी मुझे तुमसे कुछ काम है। कितने पैसे चाहिए? ये क्या दीदी, तुम हमेशा यही समझती हो मैं जब भी आता हूँ मतलब से आता हूँ। लेकिन दीदी आज तो वाकई मैं मतलब से आया हूँ। वो जो है ना, वो अपनी बंगाल तहत कमेटी, उसको चंदा देना है 20 रुपया, 20 only 20। अच्छा बटवा यहाँ छुपा रखा है? वो बात नहीं, तुम तकलीफ मत करो, मैं निकाल लूंगा। दस दीदी यू आर ग्रेट। 20 दीदी यू आर वंडरफुल। दीदी दीदी 20 दीदी, मैं सच कहता हूँ इस जमीन के पर्दे पे तुम्हारा जवाब नहीं। 20 only। ओके मीना खड़ा। चलो पापा को ले आए। पापा ऊपर है क्या? पापा पापा, ये क्या पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार? ओह थिएटर जाना था, अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, अभी तैयार नहीं। हाँ, हाँ देखो बेटा, मैं सोच रहा हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज आराम कर लूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है। अरे पर ये क्या बात हुई, तुम लोग बच्चे हो, मुझे को घसीटो। जा जा जा। नहीं पापा हम नहीं जाएंगे। खिला से ले जाओ ना। आप भी चलिए। नहीं नहीं तुम लोग जाओ। विजय साहब कह कमेटी के लिए चंदा आएगी थी ना, वो कमेटी साहब ही ले आए हैं। Thank you.
नाजरीन, ये खेल जो आपके सामने पेश होने वाला है वो एक बैले नाच है, यानी कि ड्रामे में नाच और नाच में ड्रामा। इसकी कहानी कुछ यूं है। परी बादलों से उतरकर जमीन पर आती है। एक शहजादा और शहजादी उसे उड़ते हुए देखते हैं। शहजादी शहजादे से कहती है, मुझे वो पर ला दो, मैं भी हवाओं में उड़ना चाहती हूँ। मोहब्बत की बेवकूफियों से आप सब तो वाकिफ हैं ही। शहजादा भी अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए परी के पास जाता है, उससे पर मांगता है। परी इनकार करती है। मोहब्बत में अंधा शहजादा परी का खून कर देता है। शहजादी देखकर घबरा जाती है। उसने पर मांगे थे, खून नहीं। Thank you.
मुझे तो खेल अच्छा लगा, तुम्हें कैसा लगा? एंड अच्छा नहीं था, शहजादे को परी का खून नहीं करना चाहिए था। अरे मोहब्बत में आदमी अंधा होता है, कुछ भी कर सकता है। ये तो ड्रामा था, तुम्हारे लिए हम खून कर दें, क्या के देखो? ना बाबा ना। अच्छा मीना देवी, अब मैं चलता हूँ। जल्दी? अरे 11:30 बज रहे हैं मेम साहब, सुबह तुम्हें कॉलेज जाना है, मुझे कैसे नहीं जाना। अच्छा ये बताओ कल कब मिलोगे? सुबह मिलोगे ना? सुबह तो नहीं भाई, शाम को मिलेंगे। तबियत उठता गई थी इसलिए बाहर घूमने चला गया था। थिएटर कैसा था? अच्छा था ना? बहुत अच्छा था पापा। अच्छा? हाँ, अभी हमारे साथ चलते तो कितना अच्छा होता। हाँ चलते तो अच्छा ही था, लेकिन बेटा हम लोग के उम्र कहाँ थिएटर देखने की। मैं कॉफी लूँ? अब देर हो गई बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। बताता हूँ, पहले जरा बधाई तो ले लो, तुम्हारे पहले पति गणपत का स्वर्गवास हो गया है। छुट्टी? दोहरी बधाई सेठ, गणपत के साथ तुमसे भी छुट्टी मिल गई। तुमने मेरा बहुत खून चूसा है, अब मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगी। ये लेन देन की दुनिया है श्रीमती, हर काम की एक कीमत होती है। पहला पति जिंदा होते हुए भी तुमने एक सेठिए से ब्याह रचा लिया, और मैंने ये भेद जानते हुए भी अपने मुंह को बंद रखा। आखिर इसके कुछ तो दाम होंगे। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, गणपत मर चुका है। अब मर चुका है? उस वक्त तो जिंदा था जब तुमने दूसरा ब्याह रचाया था। दिखाऊं उसकी शादी का सर्टिफिकेट? तिजोरी में है। मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला श्रीमती, ये जायदाद जिसकी तुम मालिक बनी बैठी हो यूं निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? मालूम तो तुम्हें भी होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि एक मर्द के होते हुए दूसरे मर्द से शादी करना कानून के खिलाफ है। और ये जायदाद तुम्हारे पहले पति की नहीं, दूसरे की है। बस मेरे मुंह खोलने की देर है। तुम्हें शर्म नहीं आती धनीरा? बहुत बड़े देशभक्त बने फिरते हो, धर्म के कामों में चंदा देते हो, और अंदर से 420 करते हो। देवी दो चीजों को मत मिलाओ, आदमी की बाहर की जिंदगी और होती है, अंदर की और। तुम अपनी तरफ ही देख लो ना, बाहर से देवी नजर आती हो और अंदर से। पहला पति जिंदा था तो दूसरा कर लिया, दूसरे को मरे अभी 4 दिन नहीं हुए कि तीसरे से आंख मचोली शुरू करती। सुनता हूं कि वो भी कोई बड़ा आदमी है। कौन है? धनीराम। झगड़ा करने में ना तुम्हारा फायदा है ना मेरा। कहावत है कि कुत्ते को रोटी दिए जाओ वो मुंह बंद रखेगा। कुत्ते का मुंह बंद रखने के और भी रास्ते हैं। नमस्ते धनीराम सेठ। ओ नमस्ते। बड़ा बड़ा नमकीन ग्राहक आता तुम्हारे पास भी? कौन थी ये बिजली? छोटे जाज साहब, जितने डाल पर लगे हैं सभी अंगूर खाने की मत सोचो। पैसे लाए हैं? पैसे लाए हम? अब दूसरों को गुस्सा हम पे मत उतारो, हमसे तो हंस के बात किया करो। अच्छे लगते हो। खाक अच्छा लगता हूँ, हंसकर बात करता हूँ, तभी तो एक साल से ना मूल मिला है और ना ब्याज। सब सेफ डिपॉजिट में समझो से।
चोटी बिल्ली और दूध की रखवाली, सेफ डिपॉजिट में समझो सेठ, मैं मर गया हूँ जो तुम्हारे पास रखूंगा भाई। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन सेठ, अपना तो आड़े वक्त का आसरा ही तुम हो। समझो आज ये आसरा टूट गया, कल कल करते तुमने एक बरस बिता दिया है। ये मत भूलो कि तुमने कोरे कागज पर दस्तखत करके दे रखे। कोरे कागज पर? मगर तुमने तो कहा था तुम उसे कभी इस्तेमाल ना करोगे। इस्तेमाल नहीं करूंगा तो उसे शहद लगाकर चाटूंगा। मीरा तुम बड़े नीच हो। पैसे मांगता हूँ इसलिए नीच हूँ। सुन लो, अगर कल तक मेरा माल नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हारे बाप की सारी जायदाद लिख लूंगा। पापा की सारी जायदाद लिख लो। 7,000? तुम्हें बिल्लीराम के 7,000 रुपए देने हैं? कोड़ी कागज पर दस्तखत कर दिए तुमने? हाँ, मीना, मीना मुझे बचा लो, पापा को पता लगेगा तो मुझे जान से मार डालेंगे। पापा का इतना डर था तुम आ गए क्यों थे? तुम बड़े हो, मैं छोटे हूँ, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन मीना मैं अभी पापा जिंदा है तो ये हाल है, उनके बाद क्या करूँगी? लेकिन मीना हमें नीलाम करा दोगे? भैया तुम्हें जरा भी हार नहीं है, पापा की सारी कमाई लिख दी तुमने, ऐश तुम्हारे सर पर ऐसा सवार है कि तुम सब कुछ भूल जाते हो। अब बताओ बताओ कल तक 7,000 रुपया कहाँ से लाओगे? ये लेक्चर वेक्चर छोड़ो मीना, मीना मैं जानता हूँ मैं उल्लू हूँ, पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, लेकिन लेकिन मीना मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। प्लीज प्लीज मीना मुझे माफ कर दो। देखो देखो पापा की इज्जत का सवाल है, उन्हें भी बचा लो, मुझे भी बचा लो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जेंटलमैन प्रॉमिस, मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। बाय बाय, प्लीज प्लीज मीना मेरी बहन है। मीना मीना क्या, ये तो बहुत बुरा हुआ। धनी राम तो एक गिद्ध है, गिद्ध, उसके पंजे में जो ही फंस गया बस समझो खत्म। क्या कुछ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैं जाऊंगा उसके पास, देखता हूँ क्या कहता। कब जाओगे? आज आज तो बार एसोसिएशन का डिनर है, 10:30-11 वहीं बच जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद सीधा वहीं जाऊंगा। बहुत देर तो नहीं हो जाएगी? अरे जब काम करना ही ठहरा तो देर से वही कहेगी, सोते से उठा लूंगा बदमाश को, आखिर हम पुलिस वाले हैं, कुछ तो रोग हुआ है। मुझे तो बड़ा फिक्र लगा हुआ है। पगले, मेरा भी तो इतनी क्यों फिक्र करती, सब ठीक हो जाएगा, आज रात को जरूर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आओ चल। रघुपति राघव राजा राम पति, इतनी रात गए कौन आ गया है? आराम से दूध भी नहीं पीने देते। अरे आया भाई आया। मिजाज कैसे हैं धनीराम सेठ? अरे वकील साहब मिजाज तो बड़े लोगों के होते हैं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मगर ये बेवक्त आने की तकलीफ कैसे की? तुमसे कुछ बातें करनी बैठो। बातें? हाजी वकील साहब बातें तो होती रहेंगी, आप कभी ना कभी तो आए हैं, कम से कम मुझे खिदमत का मौका तो दीजिए। कोई बात नहीं। नहीं मैं कुछ पीने के लिए लाता हूँ। अगर वकील साहब अकेली जान में इसलिए कोई नौकर भी नहीं रखा, सब काम अपने हाथ से करता हूँ। रंग तो अच्छा है सेठ। असली शरबत है वकील साहब, पी कर देखिए। मजा भी बुराने इसमें कोई नशा तो नहीं मिला दी? राम 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 वकील साहब, नशा ना मैं पीता हूँ ना पिलाता हूँ। नशा पिलाते नहीं तो कोई कागज में दस्तखत कैसे करवा लेते हो?
जी धनीराम जी, इस वक्त मैं तुम्हारे दोस्त की हैसियत से आया और तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि तुमने खुद जेल जाने का बंदोबस्त कर रखा है। जी जी वकील साहब, आप ये क्या फरमा रहे हैं? जो गड़ा तुमने विजय के लिए खोदा था उसमें तुम खुद गिर गए धनीराम। अगर पुलिस को बुलाकर तुम्हारे मकान की तलाशी करवा दूं तो ढेर से ऐसे कागज निकलेंगे जैसा तुमने विजय से लिखवा रखा है। नतीजा ये होगा कि तुम अंदर कर दिए जाओगे। अंदर? मगर वकील साहब आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? एक मिनट, वकील साहब ये रहा विजय का कागज। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप इसे रखिए और देखिए वकील साहब इसमें कुछ नहीं लिखा सिवाय विजय के नाम के। 4000 असल है और 3000 है सूद। असल तो आप मुझे दिलवाएंगे ही और बाकी रहा सूद मैं जानता हूँ क्योंकि आप शरीफ आदमी हैं और मैं हूँ गरीब आदमी। आधा तो मुझे मिल ही जाएगा और आधा वो मैं आपकी ईमानदारी पे छोड़ता हूँ। मालूम होता है जैसा भी इसी काम के लिए यहाँ आ रहे हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे वो यहाँ देखे। धनीराम तू भी उन्हें बताना मत, मैं उस कमरे में चला जाता हूँ। आपने क्यों तकलीफ की? करवा भेजा होता मैं खुद हाजिर हो जाता। धन्यवाद मेरे कि आप आ गए। Thank you.
जल्दी सुबह हो जाती है। पापा, रात बड़ी देर लगा दी, कहाँ गए थे? कहाँ गया था? ओ हाँ, एक पार्टी में भाग गया था। आज बुधवार है और जुलाई की पहली तारीख। हेलो, अब आप हिंदी उतारने भूल गया। आज की मुख्य मुख्य खबरें ये हैं। मिस्टर कुशवाह ने प्रेसिडेंट आइजनहार का निर्णय कर लिया। प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के जलसे में भाषण देते हुए कहा तो देश जाए कल पंचशील ही से संस्थान का उद्धार हो सकता है। मेरा ख्याल है मैं 12 बजे के बाद आया। सिगरेट शीघ्र ही भारत और पाकिस्तान मुझे उठ गया। नहर के पानी की समस्या सुलझ जाएगी। बिहार में बाढ़ के कारण जानो माल का बहुत नुकसान हुआ है। रात लगभग 12 बजे शहर के नामी साहूकार धनी राम का खून हो गया।
मेरी तो जान ही निकल गई। कैलाश, कैलाश सुना तुमने धनीराम का खून हो गया? मालूम है। मालूम है? तुम्हें कैसे मालूम? अच्छा जी, तो जनाब अखबार पढ़ के फिर सो गए? बड़े सुस्त हो। ए मिस्टर, अपना पाँव हटाओ। शहर के मशहूर साहूकार धनीराम का कत्ल, कातिल पकड़ा गया। कातिल पकड़ा गया? क्या हुआ कैलाश, तुमने अखबार नहीं पढ़ा था? फिर तुम्हें कैसे मालूम धनीराम का खून हो गया? जवाब दो कैलाश, तुम रात वहां गए थे ना? तुम्हें क्या हो गया कैलाश, चुप क्यों हो गए? जवाब दो कैलाश, तुम रात वहां गए थे ना? बोलो कैलाश, तुम गए थे ना? बोलो, बोलो कैलाश। एक ही बच्चा है मेरा इंस्पेक्टर साहब, उसी की कसम खाता हूँ मैंने खून नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूँ, चोरी जरूर करता हूँ, वो भी मजबूरी है, दिख की बीमारी है मुझे, मेहनत कर नहीं सकता, करना चाहता हूँ लोग काम नहीं देते, डॉक्टर कहता है आराम करो, पेट कहता है काम करो, काम क्या करो, बस चोरी चकारी कर लेता हूँ। अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ हजूर, मैंने खून नहीं किया, दया करो मुझ पर, दया करो मालिक। आइए कैलाश साहब। हेलो इंस्पेक्टर। थैंक यू। मैंने नाम का खून नहीं किया हजूर, मुझ पर तरस खाइए। देखिए बाबूजी, बताइए मैं खून कर सकता हूँ? मैं झूठ बोलूँ तो आप भी मर जाओ, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया बाबूजी। खून नहीं किया तो पकड़ा कैसे गया? केस क्या है इंस्पेक्टर साहब? केस तो है ही नहीं वकील साहब, सीधा सीधा खून है। ये आदि चोर है, धनीराम के घर चोरी करने गया था, उसने पकड़ लिया होगा और इसने चाकू मार दिया। सबूत तो जरूर होगा कोई? सबूत तो बहुत है, लाश के पास गिरे हुए दूध पर इसके पांव के निशान है, चाकू पर उंगलियों के निशान है, मकान से उतरता हुआ पकड़ा गया और खून में हाथ भरे हुए थे, और क्या सबूत चाहिए? मगर ये तो इनकार करता है इंस्पेक्टर साहब। इकरार भी किसी ने किया है वकील साहब, हर खूनी यही कहता है मैं बेगुनाह हूँ। मगर मैंने खून नहीं किया, आज मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, आज मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। मर गया। हेलो, हाउ आर यू? Thank you.
तुमने पापा से इतनी कह दी? अरे मरना था क्या मुझे, उन्हीं से छुपाना था और उन्हीं से कह देता। धनी राम बेचारा। फिर जज साहब ने ऐसा क्यों किया? इस क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकती। हाँ कभी कभी अपने आप को मुजरिम जरूर समझने लगती। तुम इतने बड़े आदमी अपने फायदे के लिए मैं तुम्हें बुराई के दलदल में घर लाई। सुनो अगर इस गुनाह की कभी मैं माफी मांगू तो हर किस से माफ करना। अरे शंकर जी आया सरकार। अरे कहाँ गए सब लोग? बिन साहब तो आपके तरफ गई हुई है, जज साहब अभी आए नहीं। चाय कॉफी कुछ लाओ सरकार। नहीं। इंसानी दिमाग भी अजीब कारखाना है। चैम्बर में आज की बहस के बाद और खास तौर पर मिस्टर झा के जलन के बाद जी चाहता है कि किसी का खून करके देखा जाए। तो ये बात है,
इंसानी जिंदगियों पर तजुर्बा किया जा रहा है। किसी की डायरी पढ़ना बुरी बात है। जी हाँ, आई एम सॉरी। लेकिन तुमसे क्या पर्दा, तुम तो अपने ही हो। लो पढ़ो। कैलाश, किसी को अगर असली रूप में देखना हो तो उसकी डायरी ही पढ़ना चाहिए। बाहर अक्सर दिखावा ही होता है। बाहर अक्सर दिखावा होता है, आपकी इस बात का यकीन मुझे भी होता है। कुछ लोग वाकई बाहर से इंसान और अंदर से शैतान होते हैं। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि हर इंसान के अंदर बहुत से इंसान छुपे होते हैं, जो सूरत, कैरेक्टर, मिजाज में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, एक दूसरे को उलट होते हैं। इंसान के अंदर शैतान होता है, शैतान के अंदर इंसान होता है। क्या बात है, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? परेशान हो, कोई खास बात है? कल रात से मेरा दिमाग एक उलझन में फंसा हुआ है। मैं कोई मदद कर सकता हूं? बहुत कुछ। सुने, मैं एक कहानी पढ़ रहा हूं। कहानी का एक करैक्टर एक आदमी का खून करने उसके मकान पर जाता है। स्टार्ट अच्छा है। और उसका खून कर देता है। खून करते वक्त कातिल का ख्याल है कि मकतूल के सिवा मकान में और कोई नहीं। वहां कोई था? जी हाँ, एक आदमी उस वक्त पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। इंटरेस्टिंग, क्या किया उसने? वो चुप रहा। चुप क्यों रहा? इसलिए कि कातिल के साथ उसका एक जज्बाती रिश्ता है। वही पुराना किस्सा, शायद इसीलिए उसने पुलिस को खबर भी नहीं की। जी हाँ, मतलब ये कि कातिल साफ निकल गया। कहानी मजेदार है। आगे आगे आप बताइए क्या हो सकता है। होगा क्या, उसकी जगह कोई बेगुनाह पकड़ा गया? बिल्कुल ठीक, मगर आपको ये कैसे मालूम? अंदाजे से कह रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होगा तो कहानी में मजा क्या आएगा। आगे सुनाओ, कहानी कौन कैसे होती? मैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन कातिल का जमीर उसे इस बात पर मजबूर कर देगा कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे और एक बेगुनाह को फांसी से बचा दे। तुम भी बच्चे हो गया लाश, जमीर नाम की कोई चीज किसी कातिल के पास नहीं होती। दरअसल सबसे पहले कातिल अपने जमीर ही को कत्ल करता है। तो गोया वो अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेगा। अगर कातिल अपने आप को कानून के हवाले कर दे तो अदालतों की जरूरत ही ना रहे। शायद आप ठीक कहते हैं। यानी तुम मेरा मतलब समझ गए? कातिल।
मेंबराने जूरी, मुजरिम कालिया को ताजिरात हिंद की दफा 302 के मातहत गिरफ्तार किया गया है। दफा 302 उस आदमी पर लगाई जाती है जिसने अपने पूरे होश व हवास में जानबूझकर किसी का खून किया हो। मुजरिम कालिया पर इल्जाम यह है कि उसने 30 जून की रात को साहूकार धनीराम के मकान वाकई सिविल लाइंस में दाखिल होकर उसका खून किया है। तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो? हजूर, मैंने खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल निर्दोष हूँ माई बाप। आप ही बताइए, मैं खून कर सकता हूँ? सरकार, मैं सच कहता हूँ पर मेरी कोई नहीं सुनता। माई बाप, आपके सिवाय मुझे कोई नहीं बचा सकता। आप तो जज साहब है, सब कुछ जानते हैं माई बाप, सब कुछ जानते। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दो, तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो या नहीं। मैंने खून ही नहीं किया तो हाँ कैसे कह दूं सरकार। तुम्हारा कोई वकील है? आप ही मेरे वकील है सरकार, मैं गरीब आदमी हूँ, वकील वाली इतर कहाँ से लाऊं, और मैंने तो बहुत दिनों से चोरी भी नहीं की सरकार। तो तुम्हारा कोई वकील नहीं? योर ऑनर, इसका वकील मैं हूँ। मगर मिस्टर कैलाश, आप ही केस कैसे ले सकते हैं? आप तो सरकारी वकील हैं। सरकारी वकील था योर ऑनर, अब नहीं, मैंने इस्तीफा दे दिया। तुमने इस्तीफा क्यों दिया कैलाश? जब से धनीराम का खून हुआ है तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ कैलाश, तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें जी जान से चाहती हूँ। अगर तुम कोई बात छुपाओगे तो मेरा दिल खून हो जाएगा। बताओ बताओ क्यों छोड़ी तुमने नौकरी? मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। मगर क्यों? कालिया बेगुनाह है इसलिए। तुम्हें कैसे मालूम? एक बात पूछूं कैलाश, जब तुम धनीराम के यहां गए थे क्या वो जिंदा था? जवाब तो कैलाश, क्या वो जिंदा था? और जब तुम वापस आए हो तो क्या वो जिंदा था? कौन है कातिल? कैलाश, मैं तुम्हारे बड़े से बड़े गुनाह पर आंचल डाल सकती हूँ। बोलो बोलो कौन है कातिल? आदमी झूठ बोलना ना चाहे और सच बोल ना सकता हो तो खामोशी ही बेहतरीन जवाब है। मैं गुल गुल जाग नहीं चाहती कैलाश, मेरी भूख प्यास उड़ गई है, मैं अंगारों पर लूट रही हूँ, मेरा दिमाग बेकार हो गया, मैं सुनना चाहती हूँ। सुनना चाहती हो? तुम कातिल को अच्छी तरह जानती हो, उसकी आंख नाक चाल ढाल बातचीत हर चीज से वाकिफ हो। नाम बताऊंगा तो खून जम जाएगा तुम्हारा, कलेजा पत्थर का चाहिए उसका नाम सुनने के लिए। बता दो उसका नाम। तुमने धनीराम का खून कर दिया कैलाश, तुमने। Thank you.
रहा हूँ कैलाश, मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुमने इस्तीफा क्यों दे दिया? आपकी वजह से। मेरी वजह से? यानी आपने कहा था ना कातिल के पास कोई जमीर नहीं होता, तो बाद यहाँ भी जमीर पे आके रुकी। यानी तुम काली बेगुनाह है जैसा। मेरा जमीर कहता कि अगर मैं कातिल को पकड़वा नहीं सकता तो बेगुनाह को बचा जरूर सकता। तो तुम समझते हो कालिया बेगुनाह है? जी हाँ। तुम जानते हो कातिल कौन है? इस तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो भाई? इस वक्त इनसे कुछ नहीं कहिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, अरे भाई माना तुम्हारा कैलाश पर ज्यादा हक है और शादी के बाद और भी हक बढ़ जाएगा, लेकिन कानून के रिश्ते मेरा भी तो तुम पर कुछ हक है कि नहीं कैलाश? आप ठीक है। अच्छा मैं ठीक कराता हूँ। हेलो पति प्रसाद। मैं अभी नहीं आ सकता, थोड़ी देर से आऊंगा। इस वक्त कैलाश और मीना मेरे साथ। बड़ी देर की मेहरबान है आपसे। मालूम होता है जज ने अपने जमीर का दरवाजा बंद कर लिया है। बात जहां थी वहीं है। मीना मुझे धनीराम का कातिल समझती है। असली कातिल का नाम मैं उसे बता नहीं सकता। मोहब्बत इंसान को कितना कमजोर बना देती है। मैं सख्त उलझन में हूं, क्या करूं क्या ना करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। केस नंबर 55311 स्टेट वर्सेस कालिया। Your Honor, I represent the state. Proceed, Mr. Khanna. Moses Membrane Jury, मुलजिम आपके सामने। इसे आपके रूबरू क्यों लाया गया है आप अच्छी तरह जानते हैं। कत्ल के असल वाकयात बयान करने से पहले जरूरी समझता हूं यह बता दूं मुलजिम कौन है और इसका पेशा क्या है। I object, Your Honor. मुलजिम कौन है और उसका पेशा क्या है, इस बात का असल मुकदमे से कोई वास्ता नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैं फिर कहूंगा योर ऑनर यह नामुनासिब है, ज्यूरी को मेरे खिलाफ किया जा रहा है। मिस्टर कैलाश, ज्यूरी ना तजुर्बाकार नहीं, कत्ल के बहुत से मुकदमे सुन चुकी है। प्रोसीड मिस्टर खन्ना। हाँ तो मैं ये बता रहा था मेंबराने ज्यूरी कि मुलजिम कौन है। मुलजिम एक पेशावर चोर है, आदि मुजरिम है और इस सिलसिले में कई बार सजा काट चुका है। कत्ल की इस वारदात से सिर्फ 8 दिन पहले जेल से छूटा है। अगर इसकी सजा कुछ और बढ़ गई होती या इसकी रिहाई में सिर्फ 8 दिन की देर हो गई होती तो आज धनीराम जिंदा होता। योर ऑनर, जुर्म साबित होने से पहले किसी को मुजरिम नहीं माना जा सकता। मेरे मोक्कल को जुर्म साबित होने से पहले मुजरिम माना जा रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। सरकारी वकील का यह बयान रिकॉर्ड से खारिज समझा जाए।
मेंबरान जूरी नोट कर ले। मिस्टर खन्ना, आप जानते हैं कि असल मुकदमा क्या है? धनीराम का खून, योर ऑनर। प्रोसीड प्लीज, लेकिन असल वाकयात से बाहर न जाइए। बेहतर योर ऑनर। मेंबरान जूरी, असल वाकयात बहुत ज्यादा और दिन की तरह साफ और रोशन। बेहतर होगा ये वाकयात उसी आदमी की जुबानी सुने जाएं जो इस वारदात के मौके पर मौजूद था। अदालत की इजाजत से मैं सब इंस्पेक्टर दास से दरखास्त करूंगा वो कटहरे में आए। सब इंस्पेक्टर दास प्लीज। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सब इंस्पेक्टर दास, क्या ये दुरुस्त है कल की रात आप उस इलाके में ड्यूटी पर थे जहां धनीराम का मकान है? जी। और क्या ये भी दुरुस्त है गश्त के दौरान में आप धनीराम के मकान के करीब से गुजरे? जी। वहां आपने क्या देखा? मैं और हवालदार राम सिंह ड्यूटी पर थे। हमने मुलजिम को धनीराम के मकान से पाइप के रास्ते जल्दी जल्दी नीचे उतरते देखा। जब वो नीचे आया तो हमने उसे गिरफ्तार कर दिया। उसके हाथ खून में भरे हुए थे। जब आपने मुलजिम को गिरफ्तार किया उस वक्त क्या बजा था? 11:55 हुए थे। शुक्रिया। आपकी इजाजत से योर ऑनर, पुलिस सर्जन की रिपोर्ट का वो हिस्सा पढ़ दीजिए जहां कत्ल के वक्त का जिक्र किया गया। जिस्म और जख्म के मुआयने से मालूम होता है कत्ल रात के 11:30 और 12 के दरमियान हुआ। और योर ऑनर, सब इंस्पेक्टर दास ने मुलजिम को 11:55 पर गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर दास, मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद आपने क्या किया? हम उसे मकान के अंदर ले गए। वहां धनीराम को मरा हुआ पाया। चाकू उसके पेट के अंदर था। चाकू पर मुलजिम की उंगलियों के निशान थे और गिरे हुए दूध पर उसके पांव के निशान थे, जिसकी बाद में तस्दीक भी हो चुकी। तो ये है मेंबरान जूरी कत्ल के असल वाकयात की तफसील। सुनकर ऐसे लगता है जैसे कत्ल हमारी आंखों के सामने हुआ है। बीच की कड़ियां मिला लेना कोई मुश्किल काम नहीं। मुलजिम ऊपर गया, धनीराम सो रहा, उसकी आंख खुल गई और उसने मुलजिम को पकड़ना चाहा। हाथापाई में मेज पर रखा हुआ दूध का गिलास नीचे गिर गया। जब किसी तरह नहीं छुड़ा सका तो मुलजिम ने चाकू निकालकर धनीराम के पेट में घुसेड़ दिया और धनीराम वहीं ढेर हो गया। चाकू उसके पेट में छोड़कर मुलजिम भागा और जल्दी जल्दी पाइप के रास्ते नीचे उतरने लगा। इसके बाद क्या हुआ आप सब अच्छी तरह जानते हैं। सब इंस्पेक्टर दास के इस बयान के बाद मैं समझता हूं किसी और गवाही या शहादत की जरूरत बाकी नहीं रह जाती। मैं अपना बयान खत्म करता हूं योर ऑनर। योर विटनेसेस प्लीज। सब इंस्पेक्टर दास, आपने अपने बयान में कहा है कि आपने कालिया को पाइप के रास्ते जल्दी जल्दी नीचे उतरते हुए देखा। आपने सिर्फ उतरते हुए या नीचे आते हुए क्यों नहीं कहा? जल्दी जल्दी से आपका क्या मतलब है? जल्दी जल्दी का मतलब जल्दी जल्दी। आपने कहा है कि जिस वक्त आपने कालिया को गिरफ्तार किया उस वक्त ठीक 11:55 हुए थे। जी। वक्त कैसे मालूम किया था आपने? घड़ी देखकर। इस वक्त भी वही घड़ी लगी हुई है आपके हाथ पर? जी। तेरा वक्त बताइए। 3:55। तकलीफ ना हो तो जरा अदालत की घड़ी भी देख लीजिए।4:08। थैंक यू। दिस इज एब्सर्ड योर ऑनर। फाजिल वकील अपनी चालाकी से ज्यूरी और गवाहों को चक्कर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कत्ल के वक्त को मुअम्मा बनाकर उससे गलत फायदा उठाना चाहते हैं। कत्ल के वक्त को मुअम्मा मैंने नहीं, आपने बनाया है। इंस्पेक्टर दास के बयान ने बनाया है। योर ऑनर और मेंबरान जूरी, पुलिस सर्जन की रिपोर्ट के मुताबिक खून 11:30 और 12 के दरमियान हुआ है। अगर 11:30 और 12 को दो सिरे मान लिया जाए तो बीच का वक्त 12:15 होता है। हम 12:15 को कत्ल का वक्त तस्लीम कर लेते हैं। इंस्पेक्टर दास कालिया को 11:55 पर गिरफ्तार किया, लेकिन दरअसल उस वक्त 11:55 का वक्त नहीं था, 12:08 हुए थे। योर ऑनर और मेंबरान ज्यूरी, कालिया के पास कोई चोरी की चीज बरामद नहीं हुई। ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला कि उसने चोरी करने की कोशिश की हो।
वो आदमी जो जल्दी में जो पाइप के रास्ते जल्दी जल्दी उतरते हुए पकड़ा गया, वो आदमी जिसने चोरी भी ना की हो, 23 मिनट तक मुर्दे के पास आराम से बैठा रहा हो, नामुमकिन है। कत्ल करने के बाद 23 मिनट तक उसके हाथ ताजा खून में भरे रहे हो, ये भी नामुमकिन है। मिस्टर कैलाश, कत्ल 23 मिनट पहले हुआ या बाद में, ये मुकदमा नहीं है। मुकदमा यह है कि कत्ल हुआ और कातिल कौन है। कातिल इंस्पेक्टर दास, कालिया को गिरफ्तार करने के बाद क्या किया आपने? हम उसे ऊपर धनीराम के मकान में ले गए। पाइप के रास्ते ऊपर जाने में कितनी देर लगी आप? हम पाइप के रास्ते ऊपर नहीं गए थे। ओ, दरवाजा तोड़ कर गए थे? जी, दरवाजा तोड़कर? जी नहीं, दरवाजा तो खुला था। दरवाजा खुला था जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो आदमी जो 23 मिनट तक निहायत इत्मीनान से वारदात की जगह पे मुर्दे के पास बैठा रहा हो, जाते वक्त खुला दरवाजा छोड़कर पाइप के रास्ते नीचे उतर गया, वो भी जल्दी जल्दी, और आप ये चाहते हैं कि हम आपकी बात का यकीन कर लें? ये 100% ठीक है योर ऑनर। मुमकिन है उसने देखा ही ना हो कि दरवाजा खुला हुआ है। हो सकता है, लेकिन योर ऑनर मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसे बेवक्त दरवाजा खुला हुआ क्यों था? इसलिए कि शायद धनीराम जाग रहा हो। मेरे फाजिल दोस्त भूल गए, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये कहा था कि जब मुलजिम दाखिल हुआ तो धनीराम सो रहा था। एक बात कहिए, धनीराम सो रहा था या जाग रहा था? मैं आपके जाल में फंसने वाला नहीं योर ऑनर, धनीराम जाग रहा था। धनीराम जाग रहा था और मकान की बत्तियां बंद थी। योर ऑनर, धनीराम कंजूस जरूर था, लेकिन इतना नहीं कि अंधेरे में बिल्ली की तरह देखने लगा। अंधेरे में धनीराम जाग रहा था, ये कैसी अजीब सी बात है। योर ऑनर, मुलजिम ने जाते वक्त बत्तियां बंद कर दी होंगी। इंस्पेक्टर दास, खून से भरे हुए हाथों से बत्ती बंद की जाए और स्विच पर कोई तार ना लगे, क्या ये मुमकिन है? अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, एक मासूम की जिंदगी का सवाल है। खून का दाग जरूर लगेगा। क्या किसी स्विच पर दाग था? जी नहीं। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मुअज्जिज़ मेंबराने जूरी, सवाल अभी तक अपनी जगह पर है, दरवाजा क्यों खुला हुआ था? मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। तसव्वुर कीजिए, रात के 11:30 बजे धनीराम अपने रोजमर्रा के काम से निपटकर बत्ती बंद करने जा रहा है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजे के पास जाता है, झिरी में से बाहर झांकता है, बाहर उसकी पहचान का एक आदमी खड़ा है। धनीराम दरवाजा खोल देता है, आने वाला दस्ताने पहने हुए है, दोनों में किसी बात पर तकरार होती है। आने वाला चाकू धनीराम के पेट में घुसेड़ देता है, बत्ती बंद करता है और खामोशी से बाहर चला जाता है। धनीराम की लाश वहीं पड़ी रह जाती है जो उठकर दरवाजा बंद नहीं कर सकती। वक्त गुजरता चला जाता है। ड्रामे के सीन में थोड़ी देर के बाद एक और करेक्टर स्टेज पर आता है, इसका नाम कालिया है। कालिया एक मामूली सा चोर है, तपेदिक का मरीज है। योर ऑनर, जो खुद मर रहा है वो किसी को क्या मारेगा? वो धनीराम के मकान की खिड़की खुली देखता है, पाइप के रास्ते ऊपर चढ़ जाता है, मकान के अंदर दाखिल होता है। अंदर अंधेरा है, फर्श पर गिरे हुए दूध पर उसका पांव पड़ता है, पांव फिसल जाता है, वो ठीक लाश के पास गिरता है और बदनसीबी उसका हाथ ठीक चाकू पर ले जाकर रख देती है। चाकू पर उसकी उंगलियों के निशान आ जाते हैं। वो खून देखकर घबरा जाता है, खिड़की की तरफ भागता है और जिस रास्ते से आया था उसी पाइप के रास्ते जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगता है। उसके बाद योर ऑनर, मासूम और बेगुनाह कालिया को कातिल की शक्ल में आपके सामने खड़ा कर दिया जाता है। मिस्टर कैलाश, कहानी अच्छी है। हिम्मत अफजाई का शुक्रिया योर ऑनर, लेकिन हर कहानी में कुछ हकीकत भी होती है। लेकिन इस कहानी में कितनी हकीकत है? इसमें तो हकीकत ही हकीकत है योर ऑनर, कहानी नहीं। मिस्टर कैलाश, तो क्या आपके बयान का यह मतलब निकाला जाए कि खून किसी ने अपनी आंखों से देखा? मैं अदालत को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ योर ऑनर, कि वहां जरूर कोई दूसरा आदमी मौजूद था जिसने या कत्ल किया है या कत्ल होते देखा है। इसका सबूत? सबूत ये है योर ऑनर, ये 2 गिलास वो हैं जो मकतूल के मकान से मिले हैं। एक पे धनीराम की उंगलियों के निशान है और दूसरे पे किसी दूसरे आदमी के। ये दूसरा आदमी कौन है, कहाँ है ये आदमी,
इसे अभी तक सामने क्यों नहीं लाया गया? हो सकता है ये कातिल हो, या ये भी हो सकता है कि ये कातिल के बारे में कुछ जानता हो। मैं इंसाफ के नाम पर अदालत से अपील करता हूँ, एक मासूम की जबान बनकर पुकारता हूँ कि इस आदमी को अदालत में पेश किया जाए। अगर ये नहीं मिलता तो इसे कहीं से भी। योर ऑनर, इन्होंने सबूत जाहिर कर दिया। ये बात नोट की जाए योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त इन गिलासों को एक सबूत मानते हैं। यही तो मैं कहता हूँ कि ये गिलास एक बहुत बड़ा सबूत है। फिर आज तक इन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया? और आपने वही गिलास तोड़ दिए। मैं अपने फाजिल दोस्त को खुशखबरी देता हूँ, ये गिलास नकली है, असली गिलास अदालत की हिफाजत में मौजूद। बहुत अच्छे मिस्टर कैलाश, बहुत अच्छे। वाह, क्या बात है मिस्टर कैलाश, मजा आ गया। अजी जज साहब ने क्या ट्रेनिंग दी है आपको। तुम अपनी पोशाक का नाम जरूर रोशन करोगे। क्या बात है, गिलास पे उंगलियों के निशान किसके हैं? मेरे। तुम क्या करना चाहते हो? अदालत को बताना चाहता हूँ कि कत्ल के वक्त मैं वहां मौजूद था। नतीजा मालूम है? खून का इल्जाम मुझ पर आ सकता है। तुम्हारी तरफ किसी ने उंगली उठाई है? नहीं। अपने गले में खुद क्यों फंदा डालना चाहते हो? एक बेगुनाह की जान बचाने के लिए। और कोई रास्ता नहीं? नहीं। एक काम और करो। क्या? मुझे भी जहर दे दो। नहीं। मैं इंसान नहीं, पत्थर की बनी हूँ, क्यों चुप रहूं? तुम एक तपेदिक के मरीज कालिया के लिए मेरी और अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहे हो। मैं पूछती हूँ क्यों? मेरा दिल कहता है इसलिए। तुम अपने गले में फंदा डालो, मैं अपना गला घोंटू। इसलिए कि तुम्हारा दिल कहता है, मेरे दिल का कोई ख्याल नहीं। गाड़ी रोको। अब जो तुम्हारा दिल कहता है तुम करो, जो मेरा दिल कहता है मैं करूंगी। शाबाश। दर्द होता है? किसी जानवर को देवता की भेंट चढ़ाते हैं तो उसे खिला पिला के मोटा करते हैं। वही काम आप भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब। सांस लो जोर से, मुंह खोल के सांस लो। अभी आपसे दो मुलाकातें और बाकी हैं, एक मुझसे, एक मेरी लाश से। फांसी देने से पहले भी तो वो आपको बुलाएंगे, आप कहेंगे जिंदा है, इसके बाद फांसी दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे जिंदा है या मर गया, आप कहेंगे मर गया, वहां आपका इलाज खत्म हो जाएगा। करो बदलो। शाबाश। अरे राम, दुनिया का रिवाज ही कमाल की चीज है। जब मैं जेल से बाहर था, बीमार था, तब एक एक के आगे हाथ जोड़ता था, कहता था मुझे बचा लो, मैं गरीब हूं, मेरी कोई नहीं सुनता था। आज मैं मरने वाला हूँ, आज भी एक एक के आगे हाथ जोड़ता हूँ, अरे मुझे बीमार रहने दो, दवा दे दे के मोटा मत करो, अच्छा हो जाऊंगा तो जीने को जी चाहेगा, जान देर से निकलेगी, दुबला पतला रहूंगा तो फटाक से जान निकल जाएगी, पर आज भी मेरी कोई नहीं सुनता। उठकर बैठ जाओ।
अरे राम, जैसा कानून गूंगा बहरा है वैसे तुम भी हो। मेरी किसी बात का तो जवाब दो। बताओ मेरा इलाज क्यों कर रहे हो? इसीलिए ना कि मैं बीच में ना मर जाऊं। तुम्हारी ये कोशिश नहीं मैं अच्छा हो जाऊं, ये कोशिश है मैं फांसी लगने से पहले ना मर जाऊं। पहले मर गया तो इंसाफ के नाम को बट्टा लग जाएगा, इंसाफ अधूरा रह जाएगा, कानून की तसल्ली नहीं होगी। पर तुम्हारे पास तो जवाब ही तो है, जिंदा है मर गया। घबराया नहीं करते, जाओ भगवान पे भरोसा रखो। तुम ठीक कहते हो, कमजोर का सहारा भगवान के सिवाय कोई नहीं। यहां मेरी बात का कोई जवाब नहीं देगा। अब उसके पास जाने वाला हूं, उसी से पूछूंगा। बता मुझ बेगुनाह का खून किसके सर पर है, कानून के या तेरे? कालिया, तुमसे कोई मिलने आया है? अपने मिलने वाले तो साहब से प्यारे हो गए हैं, अब मरगट से उठकर कौन आ गया? कोई लड़की आई है। लड़की? हाँ, मेरे पास? हाँ हाँ। काय को मजाक करते हो, मैं कहता हूँ तुम्हारे पास आई है। चलो तुम्हारी गलत फहमी भी दूर कर दो। भाई, इन्हें गलतफहमी हो गई है कि तुम मुझसे मिलने आई हो। ये ठीक कहते हैं, मैं तुम्हीं से मिलने आई हूँ। मुझसे? हाँ। मैं तो बहुत निकम्मा आदमी हूँ, तुम्हें क्या काम पड़ गया मुझसे? एक बात पूछने आई हूँ। जरूर पूछो। बैठो। सच बता, तुमने धनीराम का खून किया है? ना भाई, मैंने धनीराम का खून नहीं किया, भगवान जानता है मैं खूनी नहीं हूं। जो खुद ही मर रहा हो वो दूसरे को क्या मारे। हाँ, चोरी जरूर करता हूं। भाई तुम्हें बताओ, क्या चोरी की सजा फांसी है? तुम चोरी क्यों करते हो? चोरी, ये एक लंबी कहानी है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, वो एकाएक मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, अपनी निशानी एक छोटा बच्चा छोड़ गई। उसके मरने के बाद गम में मैं बीमार हो गया, तबीयत खो गई मुझे, किसी काम के लायक नहीं रहा, काम किसी ने दिया भी नहीं, जरूरत ने मजबूर किया, चोरी करने लगा। अपनी बीवी की निशानी, बच्चे को जिंदा रखने के लिए। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? एक स्कूल में दाखिल कर दिया है, वहीं वो रहता भी है। मैं नहीं चाहता मेरा साया भी उस पर पड़े। उसे तो मालूम भी नहीं मैं उसका बाप हूं। जब वो छोटा था उसके दूध के लिए चोरी करता था, अब उसके पढ़ाई के लिए चोरी कर रहा हूं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा बड़ा आदमी बने? कौन बाप नहीं चाहता। उसकी माँ कहा करती थी, मेरा बेटा बड़ा होके कमिश्नर बनेगा, गवर्नर बनेगा। वो बेचारी यही सपने देखते मर गई, मैं भी यही सपने देखता मर जाऊंगा। ऐसा क्यों सोचते हो? और क्या सोचूं भाई, मेरे सिवाय दुनिया में उसका कोई नहीं। मैं मर गया तो उसके स्कूल की फीस कौन देगा, रहने का खर्चा कौन देगा? ये दुनिया बड़ी जालिम है भाई, मांगो तो मौत नहीं मिलती, उसे रोटी कोई क्या देगा, जाने क्या होगा उसका। अगर कोई तुम्हारा बच्चा ले ले? तो अंधे को आंखें मिल गई, और क्या चाहिए मुझे, मैं खुशी से मर जाऊंगा, फांसी का फंदा उठाकर खुद अपने गले में डालू। पर उसे कोई क्यों लेगा, सपने भी कभी पूरे हुए हैं, बस अब तो एक ही उम्मीद है, मेरा वकील।
ऐसा लगता है वो मुझे जरूर बचा लेगा, मेरे बच्चे को यतीम नहीं होने देगा। कैलाश बाबू सच में देवता भाई, सच में देवता। मुमकिन भी नहीं, पुलिस के फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो में तो सिर्फ चोरों और आदि मुजरिमों के निशानों का रिकॉर्ड है, इस आदमी का कोई रिकॉर्ड वहां पर नहीं। और फिर योर ऑनर, धनीराम के घर तो सैकड़ों आदमी आते जाते थे, किस किस को पकड़े जाते। मैं भी यही समझता हूँ मिस्टर कैलाश, मेरा ख्याल है कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, उस आदमी को मिलना नामुमकिन। मुमकिन है योर ऑनर। कैसे? ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन योर ऑनर। अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये एक चिट्ठी मिली है, देखने में ये एक नहायत सादा सा कागज है, लेकिन दरअसल ये एक नायाब और कीमती डॉक्यूमेंट है। ये चिट्ठी उस आदमी ने भेजी है जिसकी अदालत को तलाश है। सबूत के तौर पर उसने अपनी उंगलियों के निशान भी भेजे हैं योर ऑनर, पहले इसे देख लिया जाए। आया ये वही निशान है जो गिलास पर पाए गए? शनाख्त के लिए मिस्टर काजमी को दिया जाए। यस मिस्टर काजमी, ये दोनों निशान एक ही आदमी के योर ऑनर। अब योर ऑनर, अदालत की इजाजत से मैं वो चिट्ठी पढ़ता हूं जो इन निशानों के साथ भेजी गई है। मैं वो आदमी हूं जिसकी अदालत को तलाश है। मैं धनीराम के कातिल को अच्छी तरह जानता हूं। इस वक्त जब ये चिट्ठी पढ़ी जा रही है मैं अदालत में मौजूद हूं। इसी अदालत में इस वक्त कातिल भी मौजूद है। मैं उसके जमीर से एक आखिरी अपील करता हूँ, उसकी सोई हुई आत्मा को इंसानियत, सच्चाई और इंसाफ का वास्ता देता हूँ कि वो निकलकर सामने आ जाए और अपने गुनाह का इकरार कर ले। मैं उसे 5 मिनट देता हूँ। ये 5 मिनट खत्म होने पर भी अगर उसने इकरार ना किया तो मैं उसकी तरफ उंगली उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा, यह कहने पर मजबूर हो जाऊंगा, यह कातिल गिरफ्तार कर लो इसे। चिट्ठी खत्म हो गई? Yes, Your Honor. मालूम होता किसी ने अदालत के साथ मजाक किया। Your Honor, अव्वल तो मैं इसे मजाक नहीं समझता, और अगर ये मजाक है भी तो 5 मिनट में अदालत का कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। हो सकता है यही 5 मिनट इंसाफ के लिए निहायत कीमती साबित हो। अगर आप यही चाहते हैं तो अदालत की कार्रवाई 5 मिनट के लिए बंद की जाती है। योर ऑनर, आप चले गए तो मुजरिम के भाग जाने का डर है। जब तक 5 मिनट खत्म ना हो जाए इस अदालत में हर आदमी मुजरिम है, किसी को बाहर न जाने दिया जाए। आपसे भी यही दरखास्त।
मैं बताता हूं कातिल कौन है। वकील साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जिंदगी सबको प्यारी होती है, इसलिए मैं भी आज तक झूठ बोलता आया, पर अब मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। ये जन्म तो बर्बाद हो ही गया, अगला जन्म क्यों खराब करूं? और अब मैं तो भगवान के यहां जा रहा हूं, किस लिए झूठ बोलूं? जज साहब, बड़े लोगों, मैं माफी चाहता हूं। सरकारी वकील साहब ने ठीक कहा था, मैं धनीराम के यहां चोरी करने गया था। उसकी आंख खुल गई। मैंने चाकू मारने के लिए नहीं निकाला था, सिर्फ उसे डराने के लिए निकाला था। हजूर, यूं किया, पेट में घुस गया, मर गया। बिल्कुल मर गया हजूर। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, खून मैंने किया है। अब आप मुझे फांसी पे लटका दो, जेल में भेज दो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो झूठ नहीं बोलूंगा। जवाब दो, अदालत के सामने क्यों झूठ बोला तुमने? किसी दूसरे का गुनाह अपने से क्यों ले लिया? आखिर क्यों? धनीराम का खून मैंने ही किया है वकील साहब। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। इस झूठ का यकीन अदालत को आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं। समझ में नहीं आता तुमने ऐसा क्यों किया। ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? खूनी तुम अब तक नहीं थे, अब हो जाओगे। तुम अपना खून खुद कर रहे हो, तुम खुदकशी कर रहे हो। मेरी जिंदगी की जरूरत ही किसे है? इंसाफ को है, मुझे है, तुम्हें। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने अपनी मोहब्बत की बाजी लगा दी, अपने मुस्तकबिल की बाजी लगा दी, अपना सुख, अपना आराम, अपना चैन, सब कुछ कुर्बान कर दिया मैंने। तुम्हारे लिए मैंने मौत की परवाह नहीं की, और तुम्ही ने मुझे धोखा दिया। तुम आज तक जिसके लिए जिंदा हो उसी बच्चे की कसम देता हूं तुम्हें। बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? उसकी कसम दे दीजिए वकील साहब, जिसके लिए मैं आज तक जिंदा था उसके लिए मैं अब मर भी रहा हूं। एक बाई आई थी, उसने वादा किया अगर ये खून मैं अपने सर पे ले लूं तो वो मेरे बच्चे की देखभाल करेगी। कौन बाई है वो? नाम तो नहीं मालूम, बिल्कुल देवी जैसी है। उसने मेरे बच्चे का सारा बोझ अपने सर ले लिया है। उसकी पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, खाना पीना सब खुद करेगी। उसने मेरे बच्चे के नाम 10,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए वकील साहब। अब मेरा बच्चा मेरे जैसा चोर नहीं बनेगा, आप जैसा वकील बनेगा, जज बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। भगवान तू बड़ा दयालु है, तेरे लाख लाख शुक्र भगवान। नम्राने जूरी, आपने इस मुकदमे के सारे वाक्यात सुन लिए, साथ ही ये भी सुन लिया कि कालिया ने खुद अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। अब आप मशवरे के लिए जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं इस सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मुल्जिम के इकरार करने के बाद भी कुछ कहना चाहते हो? यस योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्जिम ने इकरार खुद नहीं किया बल्कि उसको इकरार करने पर मजबूर किया गया है। लेकिन मुल्जिम ने अदालत के सामने इकरार किया है। अदालत के सामने तो उसने ये भी इकरार किया था कि वो कातिल नहीं। क्या अदालत ने उसका यह बयान मान लिया था? अगर उसका पहला बयान गलत था तो दूसरा क्यों ठीक मान लिया गया? इसलिए कि दूसरा बयान अदालत की मर्जी के मुताबिक है। मिस्टर कैलाश,
आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। सच बोलना किसी भी अदालत की तौहीन नहीं योर ऑनर। अदालतें इंसाफ के लिए बनी है और इंसाफ की बुनियाद सच पर है। योर ऑनर, वो आदमी जिसकी उंगलियों के निशान गिलास पर पाए गए हैं, वो आदमी मैं हूं। कत्ल मेरे सामने हुआ है, मैं जानता हूं कातिल कौन है। मिस्टर कैलाश, आप जानते हो तब तक खामोश क्यों रहे? आज तक जबान क्यों नहीं खोली? जबान इसलिए नहीं खोली कि मेरे जज्बात मेरे सामने आ गए थे। असली कातिल का नाम लेते हुए मेरी रूह कांपती थी, इसीलिए मासूम कालिया को बचाने की कोशिश करता रहा। मगर आज आज मैं खामोश नहीं रह सकता, एक बेगुनाह को मरते हुए नहीं देख सकता। मेरा जमीर मुझको मलावत करता है, मजबूर करता है कि मैं वो कह दूं जो मैंने देखा है। मिस्टर बद्री प्रसाद कातिल आप हैं। धनी राम का खून करते हुए मैंने आपको देखा है। इस इंसाफ की कुर्सी पर बैठने का आपको कोई हक नहीं। मिस्टर कैलाश, इस कुर्सी पर आप किसी की तौहीन नहीं कर सकते। इस वक्त आप मेरे चमक नहीं है। मैं अब खामोश नहीं रही हर किसी के। मैं आज तक खामोश था इसलिए कानून ने एक मासूम आदमी के गरीबान में हाथ डाल दिया। मैं आज तक खामोश रहा तो झूठ से सच का रूप अख्तियार कर लिया। मैं आज तक अपने दिल की आवाज को मसलहत और मोहब्बत के लिए दबाया, मगर आज सच के इस तूफान का मुकाबला मैं नहीं कर सकता जिसे मैं पाव पर। हर गुनहगार को उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, हर मासूम का दामन हर दाग से पाक होना चाहिए। सच और इंसाफ का यही फैसला है और मैं इस फैसले पर आखिरी दम तक लगा रहा हूं, चाहे मेरी जान भी जाती। भागते क्यों हो? लगाओ शर्त, फोन करो और बच के दिखाओ। अच्छा, वो रही शर्त, लेकिन आप हार जाएंगे। लगी शर्त, केस नंबर 55311 स्टेट वर्सेस कालिया। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, क्या आप कुछ और शहादतें पेश करना चाहते हैं? नो योर ऑनर, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मेरे फाजिल दोस्त अपनी इंतहाई कोशिश के बावजूद अभी तक मुल्ज़िम कालिया की बेगुनाही साबित नहीं कर सके। मुल्ज़िम ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है, इसके पेश नजर ये सब ड्रामा फजूल सा लगता है। योर ऑनर, इस नई सूरत हाल का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि इन्होंने अपनी जद में एक ऐसे शरीफ और बाइज्जत इंसान को ले लिया है जिसने इन्हें पाला, तालीम दिलाई, इंसान बनाया और इस नतीजे तक पहुंचाया। कानूनी बहस में जाती मामलात को न लाया जाए तो बेहतर होगा। बहुत बेहतर योर ऑनर। मकतूल धनीराम के मकान से बरामद होने वाले गिलास पर
मिस्टर कैलाश की उंगलियों के निशान ये तो साबित करते हैं कि मिस्टर कैलाश मकतूल के मकान पर गए थे, मगर ये साबित नहीं करते कि वो कत्ल के ऐन वक्त वहां मौजूद थे। दूसरी बात यह है योर ऑनर, आज तक कोई कत्ल यूं ही खामखा नहीं हुआ। हर कत्ल के पीछे कोई सबब होता है, कोई वजह होती है, कोई नफा नुकसान होता है। मिस्टर बद्री प्रसाद ने धनीराम का खून किया हो, इसकी कोई वजह ना है ना हो सकती है। और धनीराम का खून मुल्जिम कालिया के अलावा किसी और ने किया हो, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। मिस्टर कैलाश, आप कुछ कहना चाहते हैं? योर ऑनर, जहां तक मिस्टर बद्री प्रसाद का ताल्लुक है, मैं एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा बेटा साबित नहीं हो सका, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जज्बात और इंसाफ का आपस में कोई रिश्ता नहीं। मैंने मिस्टर बद्री प्रसाद से सच बोलना सीखा है, और सच यह है कि कालिया बेगुनाह है। मैं इस सिलसिले में अदालत की इजाजत से दो गवाह पेश करना चाहता हूं। मेरा पहला गवाह मिस्टर विजय प्रसाद है। मिस्टर विजय प्रसाद, मिस्टर विजय प्रसाद हाजिर हो, मिस्टर विजय प्रसाद। भगवान को हाजिर नजर का कहो, जो कुछ कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ ना कहो। हाँ ठीक है, करेक्ट। नहीं बोलना पड़ेगा आपको ये? बोलना होगा आपको। ये जो इसमें जो लिखा है वो पढ़ो। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड I solemnly declare that I will speak the truth and nothing but truth, so help me God. आपका नाम? कमाल है यार, तुम मेरा नाम ही नहीं जानते। अपना नाम बताइए। मिस्टर विजय प्रसाद। आपके बाप का नाम? मिस्टर विजय प्रसाद, मैंने आपके बाप का नाम पूछा है। मिस्टर बद्री प्रसाद। आप काम क्या करते हैं? काम? जी कॉलेज जाता हूँ। स्टूडेंट है? जी जी नहीं। तो प्रोफेसर होंगे? जी नहीं। तो फिर क्यों जाते हो कॉलेज? जाता हूँ। मैं बताता हूँ मिस्टर विजय प्रसाद, तुम एक आवारा मिजाज लड़के हो, लड़कियों के चक्कर में जाते हो, उनको लेकर सिनेमा जाते हो, पिकनिक पे जाते हो, नाचघरों में जाते हो, उनसे झूठ बोलते हो, उन पर रुपया खर्च करते हो, अपने बाप की कमाई लुटाते हो। कैलाश मेरी बात, जब रुपया बाप से नहीं मिलता तो बहन को बनाते हो, बहन से नहीं मिलता तो उधार लेते हो, और यही उधार की लत तुम्हें धनीराम के घर ले गई थी। साफ साफ बताओ, तुम धनीराम के घर रुपया लेने जाते थे या नहीं? कौन धनीराम? बहुत खूब, तो तुम धनीराम को नहीं जानते? जी नहीं। उसे पहचानते भी नहीं? और सच भी कह रहे हो? बिल्कुल। तो तुम उसे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं और सच भी कह रहे हो? जी हाँ, मैं सेठ धनीराम को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस कागज को पहचानते हो? कौन सा कागज? नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे ही किसी और के? मेरे नहीं है। मिस्टर विजय प्रसाद, वो कोरा कागज है जो तुमने धनीराम को दे रखा था? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें इससे इनकार है, मैं तभी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाता हूं। योर ऑनर। नहीं सुनिए, उसको क्यों बुलाते हैं? जरा कागज, ये तो मेरी हैंडराइटिंग है। हाँ, ये तो मैं जाया करता था सेठ धनीराम के पास पैसे लेने के लिए, जाता था मैं। ठहरो। जिस रात धनीराम का खून हुआ उस रोज भी तुम उसके पास उधार लेने गए थे? हाँ, मुझे जरूरत थी। पूरे एक बरस से सूद असल तुमने कुछ नहीं दिया था। कहाँ से देता? नतीजा यह हुआ कि तुम 7,000 रुपए के मकरूज थे। करेक्ट। और उस रोज जब अपनी अय्याशियों के लिए तुम और उधार लेने गए तो उसने तुम्हें धमकी दी। उसने ये कहा कि अगले रोज तक अगर तुमने 1,000 रुपया ना दिया तो इस कागज पर तुम्हारे बाप का तमाम रुपया लिख लेगा। इसीलिए तो वो मारा गया। तो मैं कहता हूँ उसका जवाब दो। हाँ तो मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ, कहिए। उसकी धमकी के बाद क्या किया तुमने? मैं मेरी सिस्टर के पास गया मदद के लिए। यस। अपने बाप के पास क्यों नहीं? अजी, अगर मैं अपने पापा के पास जाता तो वो मुझे जान से मार डालते। और मेंबराने जूरी, इस बात को नोट किया जाए, जो बाप 7,000 रुपए के लिए अपने इकलौते बेटे को जान से मार सकता है, वो उस महाजन के साथ क्या न करता जो उसका तमाम रुपया इस कागज पर लिख लेने वाला था, उसकी जिंदगी की तमाम कमाई लूट लेने वाला था। मार डालने का ये थोड़ी मतलब है कि जान से मार डालते। तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, तुम दलील हो। मिस्टर विजय प्रसाद, शुक्रिया, तुम जा सकते हो। अच्छा, मैं तुम मिस वीना, आप इस आदमी को जानती हैं? गौर से देखिए, इसे पहचानने की कोशिश कीजिए। ये वो आदमी है जिसने धनीराम का कातिल होने का इकबाल किया है। मैं कहता हूं ये आदमी झूठ बोलता है।
इसने ये इकरार किसी दबाव में आकर किया है, मजबूर होकर किया है। इसे खरीदा गया है, इसे आपने खरीदा है। कैलाश, आप इसके जज्बात से खेली है, इसे लालच दिया है, वादा किया है कि इसके मरने के बाद आप इसके बच्चे की देखभाल करेंगी। मिस मीना, सोच कर बताइए क्या ये सच है या नहीं? ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। देखिए, आपने यहां खड़े होकर कसम खाई है कि जो कुछ भी कहेंगी सच कहेंगी। भगवान को हाजिर नाजिर जानकर सच बोलिए। ये एक बेगुनाह की जिंदगी और मौत का सवाल है। कह दिया ना, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये भी झूठ है। इस रसीद को पहचानती हैं आप? कैलाश, योर ऑनर, ये उस 10,000 रुपए की रसीद है जो कालिया के बच्चे के नाम बैंक में जमा किए गए। ये 10,000 की रसीद नहीं, योर ऑनर, कालिया की मौत का परवाना है। ये 10,000 की रसीद नहीं, आप लोगों की बेरहमी का सबूत। ये 10,000 की रसीद नहीं, आप लोगों के दिल का आईना। मैं पूछता हूँ, कौन है वो आदमी जिसके खरीदा गया, किसका फंदा उसके गले में डाला गया? धनीराम के मकान में रोशनी। आप अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? जी नहीं। आपके मुकदमे की पैरवी कौन करेगा? आपका कोई वकील है? सर ऑनर, आप जानते हैं कि मैं खुद वकील हूं। तो आप खुद अपने मुकदमे की पैरवी करेंगे अगर अदालत इजाजत देती है? इजाजत है, शुक्रिया। सर ऑनर, मेरा पहला और आखिरी गवाह मिस्टर कैलाश है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मिस्टर कैलाश को कटहरे में बुलाया जाए। मिस्टर कैलाश, मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर कैलाश, आपका बयान है जब धनीराम का खून हुआ आप वहां मौजूद थे? जी।
ऐन कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? मेरा मतलब है ठीक किस जगह पर? बराबर के कमरे में। मतलब ये है कि आपने कातिल को इत्मीनान से काम करने का मौका दिया। उसे तो मालूम ही नहीं था कि मैं वहां मौजूद हूँ। आप वहां क्या कर रहे थे? जी मैं ये साबित कर चुका हूँ कि मुझे आपकी लड़की ने वहां भेजा था। उस कागज के लिए जिस पर विजय के दस्तखत थे? जी। और वो कागज धनीराम ने आपको आसानी से दे दिया? शुरू शुरू में उसने जरा सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दो। वो कागज आपको मिला? जी मिला। योर ऑनर, मेंबराने जूरी, धनीराम वो आदमी था जिसे सारा शहर जानता था। उसने हजारों के दीवारे निकलवाए, सैकड़ों खानदान बर्बाद किए, कितनों ने उसके हाथों में फंसकर खुदकुशी की। एक बार जो चीज धनीराम के हाथ आ जाती थी वो कभी निकल नहीं सकती थी। वो आदमी जिसकी ये शोहरत है उसके पास एक कागज है जिस पर वो किसी की लाखों की जायदाद लिख सकता था, और वो कागज धनीराम इन्हें आसानी से दे देता है। क्या ये अजीब बात नहीं? लेकिन ये हकीकत है। हकीकत ये नहीं है मिस्टर कैलाश, हकीकत मैं बयान करता हूं। 30 जून की रात है, 11:30 बजे। सेठ धनीराम अपने बही खाते संभाल कर सोने जा रहा है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। धनीराम चौंकता है, बड़ी एहतियात से दरवाजे के करीब जाता है, झिरी में से बाहर झांकता है। बाहर एक नौजवान खड़ा है। धनीराम उस नौजवान को पहचानता है, दरवाजा खोल देता है, नौजवान अंदर आता है। धनीराम उसकी खातिर तवाजू करता है, उसके सामने शरबत का गिलास पेश करता है। नौजवान शरबत पी लेता है। धनीराम पूछता है इस वक्त कैसे तकलीफ की? नौजवान अपने आने का मकसद बयान करता है, बेतकल्लुफी से पूछता है, अरे भाई क्या वाकई तुम्हारे पास एक कोरा कागज है जिस पर विजय के दस्तखत हैं? अगर हो तो मुझे वापस कर दो, रुपए मैं दिए देता हूं, और अगर ना हो तो खामोखा क्यों परेशान करते हो? धनीराम कहता, खामोखा परेशान नहीं कर रहा हूं जी। वो मुस्कुराता है, तिजोरी से कागज निकालता है और उसी मुस्कुराहट के साथ वो कागज उस नौजवान को दिखाता है। दूसरे लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। नौजवान के हाथ में खुला चाकू है जो बिजली की तेजी के साथ धनीराम के पेट में घुस जाता है। धनीराम वही ढेर हो जाता है। निहायत इत्मीनान से नौजवान वो कागज अपनी जेब में रखता है, रुमाल से चाकू पर उंगलियों का निशान मिटाता है, उसी रुमाल से बत्ती बंद करता है और खामोशी से घर वापस चला जाता है। किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो भूल जाता है कि गिलास पर उंगलियों का निशान छोड़ाया है। वो निशान उसे इस कठेरे में लाकर खड़ा कर सकते हैं, वो निशान इसके गले में फांसी का फंदा तक डाल सकते हैं। इसलिए वो एक कहानी करता है, एक ड्रामा बनाता है, अपने आप को हीरो साबित करने के लिए अदालत में एक हंगामा पैदा कर देता है जिसके शोर में असलियत दब के रह जाती है। मिस्टर कैलाश, असलियत यह है कि कातिल आप हैं, धनीराम का खून आपने किया। ये झूठ है। मेरे कत्ल करने का मकसद ही क्या हो सकता है? योर ऑनर, मकसद है मोहब्बत, और वजह है वो लड़की जो वहां रो रही है। वो जानती है कि तुम कातिल हो, तुम्हें बचाने के लिए वो अपने बाप के 10,000 रुपए निकाल लेती है और कालिया को खरीद लेती है। मगर तुम नहीं जानते कि खून खुद एक फंदा है जो कातिल के गले में पड़ जाता है और उसे कानून के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये बात बहुत आसानी से गलत साबित की जा सकती है। योर ऑनर, कालिया के गले में फांसी का फंदा तो पड़ ही चुका था। अगर मैंने कत्ल किया होता तो मुझे बोलने की जरूरत क्या थी? मैं खामोश रहता। लेकिन मैंने बिल्कुल उलट किया। मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि एक मासूम और बेगुनाह की जान बचा सकूं। और इसके अलावा मैं ये साबित कर सकता हूं कि मिस्टर बद्री प्रसाद के दिल में कत्ल की ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी। योर ऑनर, मुझे एक मिनट के लिए अपनी सीट पर जाने की इजाजत दी जाए। इजाजत? थैंक यू सर। अट्ठाईस जून की डायरी पढ़ ली जाए। इंसानी दिमाग भी अजीब कारखाना है। चेंबर में आज की बहस के बाद और खास तौर पर मिस्टर झा के चैलेंज के बाद जी चाहता है किसी का खून करके देखा जाए। ये डायरी पढ़कर मालूम होता है योर ऑनर कि जुर्म करने की ख्वाहिश इनके दिल में पैदा हो चुकी थी, सिर्फ मुनासिब मौका और वक्त की देर थी, और आखिर ये मौका इनके बेटे विजय ने पैदा कर दिया। मिस्टर बद्री प्रसाद, ये डायरी आपकी है? जी हाँ, ये डायरी भी मेरी है और लिखाई भी मेरी है। योर ऑनर,
हर इंसान के दिल में कभी ना कभी कोई ना कोई जुर्म करने की ख्वाहिश जरूर पैदा होती है, लेकिन हर इंसान इस ख्वाहिश को पूरा नहीं करता। मेरे दिल में कत्ल करने की सिर्फ ख्वाहिश पैदा होना साबित नहीं करता कि खून भी मैंने किया। खून आप ही ने किया है। क्या सबूत है? सबूत हो ना हो, लेकिन मैंने आपको अपनी आंखों से धनीराम का खून करते हुए देखा है, देखा है, देखा है। मैं आप अपने जुर्म का इकबाल क्यों नहीं करते, क्यों सच नहीं बोलते? आप ही ने तो मुझे भी सच बोलना सिखाया है। देखिए, सच के लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूं। मैंने अपनी मोहब्बत, अपनी खुशी, अपने मुस्तकबिल सब की बाजी लगा दी है। आज के बाद मेरे जिंदा रहने की कोई वजह नहीं, कोई मकसद नहीं। मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली हो गई है। काश काश आपके गुना के लिए मैं अपनी जान दे सकता। कैलाश, मेरे पास आ तो मैं। बद्री प्रसाद, आप तो कानून से वाकिफ हैं, ये दस्तूर के खिलाफ है। आई एम सॉरी योर ऑनर, क्या मैं कैलाश के पास जा सकता हूँ? इजाजत। शुक्रिया। मेरी तरफ देखो कैलाश, मेरे सर पर हाथ रखो। कसम खाओ कि तुमने मुझे धनीराम को कत्ल करते देखा है। यही तो मेरी बदकिस्मती है पापा कि मैंने आपको धनीराम का खून करते हुए देखा है। Your Honor, अब मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। मेंबराने ज्यूरी, आप हजरात ने पूरी जरा सुन ली, अब आपको अपना फैसला देना है। याद रखिए कि आपको एक बाइज्जत और जिम्मेदार शहरी समझकर यह काम आपके सपुर्द किया गया है। मुलजिम कौन है, उसका रुतबा क्या है, वो छोटा आदमी है या बड़ा, आपके फैसले पर इसका कोई असर ना होना चाहिए। किसी फैसले पर पहुंचने के दौरान में आपको कोई दिक्कत हो और मेरी जरूरत महसूस हो तो मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूं। एक बार फिर सुन लीजिए, आप ये काम एक मुकद्दस फर्ज समझकर करेंगे और आपके फैसले की बुनियाद किसी ऐसे वाक़े पर ना होगी जो इस मुकदमे के दौरान में इस अदालत के सामने नहीं लाया गया। मैं इस वक्त इस लम्हे से जूरी को अपने इख्तियार में लेता हूं और भगवान को हाजिर नाजिर जानकर यह कसम खाता हूं कि जब तक वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच जाएगी, जूरी के किसी मेंबर से न खुद बात करूंगा न किसी दूसरे आदमी को बात करने की इजाजत दूंगा।
Mr. Foreman? Your Honor. क्या जूरी किसी फैसले पर पहुंच गई? Yes, Your Honor. तमाम जूरी की एक ही राय है? No, Your Honor. फैसला क्या है? पांच हक में है और चार खिलाफ. अक्सरियत की क्या राय है? अक्सरियत मिस्टर बगरी प्रसाद को कातिल करार देती है. दखल अंदाजी की माफी चाहता हूँ Your Honor. इस मुकदमे से मुतल्लक एक नई बात सामने आई है, उसे अदालत की नजर में लाने की इजाजत चाहता हूं. What at this stage? आपको मालूम होना चाहिए कि ज्यूरी के फैसले के बाद इस किस्म की दरखास्त करना अदालत के दस्तूर के खिलाफ है. मैंने बेंच और बार दोनों जगह आज तक किसी को ऐसी दरखास्त करते नहीं सुना. इसकी इजाजत नहीं मिल सकती. Your Honor, अदालतें सच और इंसाफ की हिमायत के लिए बनी. मैं जानता हूं यह दरखास्त बेवक्त की जा रही है, लेकिन वो मुकदमा जिसमें किसी इंसान की जिंदगी या मौत का सवाल पैदा हो जाए, वहां कोई ऐसी शहादत मिले जिससे फैसले पर असर पड़ता हो, उसे अदालत के सामने लाने की इजाजत जरूर मिलनी चाहिए. मुझे आपकी राय से पूरा इत्तेफाक नहीं, फिर भी सच और इंसाफ के नाम पर अदालत में ये नई शहादत पेश करने की इजाजत देता हूँ. शुक्रिया Your Honor. लाश अदालत में क्यों लाई गई है? माफी चाहता हूं Your Honor, लेकिन मौजूदा हालात के मातहत इससे अच्छी गवाही पेश नहीं की जा सकती. Your Honor, कुछ रोज पहले मरहूम धनीराम के मकान में चोरी की खबर आपने अखबारों में पढ़ी होगी, और आपने यह भी जरूर पढ़ा होगा कि धनीराम के मकान में चोरी करने के बाद वो आदमी मिस्टर कैलाश की मोटर लेकर फरार हो गया. पुलिस ने उसका पीछा किया और वो आदमी मोटर समेत दरिया में गिर गया. ये लाश उसी आदमी की है Your Honor. इसका इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? Your Honor, इस आदमी ने मरने से पहले अपने बयान में इस बात का इकबाल किया है कि धनीराम का असली कातिल ये खुद है और कत्ल का सबब ये औरत है. ये झूठ है, ये तमाशा है Your Honor. मैंने इन आंखों से मिस्टर बद्री प्रसाद को खून करते हुए देखा है. उन्हीं आंखों से इसे भी देखिए. कानून की तारीख में यह मुकदमा हमेशा अजीब और गरीब समझा जाएगा. मिस्टर कैलाश ने जिस आदमी को खून करते हुए देखा था वो बद्री प्रसाद न थे, ये आदमी था जिसकी लाश यहां पर मौजूद है. मुझे अफसोस है इस गलतफहमी की वजह से मिस्टर बद्री प्रसाद को तकलीफों का सामना करना पड़ा. अब अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है और मुकदमा खत्म किया जाता है. खत्म नहीं हुआ Your Honor, शुरू हुआ है. आपके अदालत में खून का एक मुकदमा तो खत्म हो गया, मगर वो बहुत से मुकदमे बाकी हैं जो आने वाले हैं.
इस सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर कहिए, मैं खुद यही चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर असल कातिल न पकड़ा जाता तो मेरी मौत, कैलाश का जमीर न जागता तो कालिया की मौत किसके हिसाब में लिखी जाती, बेगुनाहों के इस खून की जिम्मेदारी किसके सर पर होती? कानून की। मगर कानून तो वही देखता जो उसे दिखाया जाता है। कानून किसी को पकड़ने नहीं जाता, जो उसके सामने पकड़ कर लाया जाता उसी को इंसाफ के तराजू में तोलता है। इंसाफ का तराजू जो गवाहों के हाथ में है, क्योंकि इंसाफ का दारोमदार सिर्फ गवाही पर है। और आज इस अदालत में आप सबने देख लिया कि हालात की मजबूरी से गवाह कैसे गलत हो सकते हैं। कैलाश मेरी नजर में एक ऐसा इंसान है जिसे मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है, जिसकी ईमानदारी और जुरत की कसम खाई जा सकती है। उसने भी जब जबान बंद रखी तो बेगुनाह कालिया की जिंदगी खतरे में पड़ गई, और जब जबान खोली तो दूसरा बेगुनाह बद्री प्रसाद अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनने लगा। योर ऑनर, मैं अपनी बेटी की शराफत और सच्चाई की भी कसम खा सकता हूं। वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, एक जज की बेटी है, वो जानती है कि कानून क्या है। लेकिन जब उसके जज्बात के दरमियान एक दीवार खड़ी होने लगी तो उसने भी जबान बंद कर ली, और जब उसने जबान खोली तो उसके मुंह से झूठ निकला। ऐसा क्यों? जब ऐसे नेक समझदार और पढ़े लिखे इंसान हालात के शिकार हो जाते हैं तो आम इंसान क्या नहीं कर सकता? तो क्या गवाहियां नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, लेकिन कानून को यह ना भूलना चाहिए कि इंसान फिर इंसान है, देवता नहीं। कभी उसकी आंख धोखा खाती है, कभी उसका दिल धोखा खाता है। हर कदम पर इंसान बहुत से जज्बाती रिश्तों में बंधा हुआ है, और हर कदम पर इन्हीं रिश्तों की वजह से मजबूर है। ऐसी सूरत में जब कदम कदम पर इंसान मजबूर है तो क्या कानून को यह हक है कि एक इंसान की गवाही पर दूसरे इंसान की जान ले ले? क्या कानून को यह हक है कि वो जिंदगी जैसी अनमोल चीज को इत्तफाक पर कुर्बान कर दे? क्या कानून को यह हक है कि किसी इंसान से वो चीज छीन ले जिसे वो कभी वापस ना कर सके? मैं कहता हूं यह हक सिर्फ उसी को है जो जिंदगी देता है। यह हक न इंसान को है न कानून को। जान के बदले जान, यह इंसाफ नहीं इंतकाम है। योर ऑनर, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, इस अदालत से, इस मुल्क से, इस दुनिया के रहने वालों से अपील करता हूं कि इंसानों की जिंदगी से खेलना बंद कर दिया जाए, मौत की सजा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, कानून की किताबों में से निकालकर फेंक दिया जाए, इंसान के दिल में मौत के बजाय उसका डर पैदा किया जाए। मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा धोखा खा सकती है, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसलिए तुम माफी मांगो, बल्कि तुमने जो कुछ किया शायद ही कोई कर सकता था। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं कैलाश, मुझे तुम पर ना आ जाए। मेरा ख्याल है कैलाश को इनाम मिलना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ? नहीं? चलो।